अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अली हेल्थ एंड हर्ट ब्रोक के नाम से मेरी अपनी वेबसाइट है, इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी, यूट्यूब चैनल भी। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको किन नुस्खा जात के हवाले से जो वीडियो चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट वाली जो है वीडियो ला के दूंगा और ऐसे नुस्खा जात बताऊँगा जिनका जो है पॉजिटिव रिजल्ट हो। तो मुझे काफ़ी भाइयों की जो है मेल आ रही थी और उन्होंने मुझे कमेंट भी किया कि सर हमारे कुछ मसले हैं, ये मसला है तो इसको ज़रा बता दें किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। कि मनी के पतले होने की वजह से जरियान का मसला, ठीक है, उसके बाद काफ़ी इसका मसला, सूरत इंजाल का मसला, क्योंकि जितने भी मसले हैं आपके तभी होते हैं जब आपकी मनी जो है पतली होती है, मनी जो है गाढ़ी नहीं होती है। तो मैं आज आपके सामने जो नुस्खा लेकर, बिल्कुल सिंपल सा नुस्खा है और बहुत छोटा सा नुस्खा है, अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको 110% इसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने जिनको ये इस्तेमाल करवाया है उन सबको तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो है 110% फ़ायदा हुआ है। सिंपल सा नुस्खा है, आपने करना क्या है कि अरबियाँ, आपको पता है अरबी एक सब्ज़ी है, सिंपल सी घरेलू इस्तेमाल है, वो यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके जो मौसम, आपको पता है किस मौसम में अरबी होती है, अरबी आपने ले लेनी है और तकरीबन एक पाव अरबी ले लें। अरबी लेने के बाद आप जो है उसको करेंगे कि आपने उसको जो है अच्छी तरह से साफ़ करना है, उसके छिलके उतार लेना है और उसको जो है पीस जो है आपने पीस बना लें, आपने उसको काट लेना है ताकि जो है आपकी जो अरबियाँ हैं वो खुश्क होने में ज़्यादा टाइम ना ले, डिले ना ले। तकरीबन जो है आपने पाव अरबियाँ ले ली, उसको साफ़ करने के बाद आपने ब्रीक ब्रीक जो है जिस तरह आप चिप्स बनाते हैं उस तरह फॉर्म में, उस फॉर्म में जो है आपने उसको काट लेना और उसको आपने जो है धूप में रख लेना ताकि वो जल्द से जल्द खुश्क हो जाएँ। जब आपकी अरबियाँ जो है वो खुश्क हो जाएँ, खुश्क होने के बाद आपने करना क्या है, आपने उसको जो है पीस लेना है, पीस के आपने उसका पाउडर फॉर्म बनाना है। जब आपके पास जो है वो पाउडर फॉर्म में आ जाए तो आपने सिंपली करना क्या है कि आपने जो है हाफ टी स्पून जो चाय का चम्मच है, छोटा चाय का चम्मच जो है वो आपने लेना है, जो सुबह नाश्ता है, नाश्ते के तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद आपने नीम गर्म दूध के साथ ले लेना है। और इसी तरह रात को जो है आपने खाने के बाद तकरीबन जो है 2 से 2.5 घंटे का डिले देना है और फिर जो है 1/2 टीस्पून जो है छोटा चाय का चम्मच उसको नीम गर्म दूध के साथ ले लेना है। आपने सुबह और रात को जो है आपने इसको लेना है तो इंशाल्लाह आपकी जो मनी है, जो आपकी पतली मनी है, उसको ये गाढ़ा करेगा। आपको जो इस्लाम जो सूरत इंजाल का मसला है, सूरत इंजाल के मसले को भी दूर करेगा, ज़काफ़ते हिस्स के मसले को भी दूर करेगा और यहाँ तक कि आपको जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है उसको भी ये ठीक करेगा। क्योंकि जितने भी मसले मसाइल आपके पेश आते हैं वो सिर्फ तभी पेश आते हैं जब आपकी जो मनी है वो पतली होती है, उस जो मनी की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी लो होती है कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो सबसे बेहतर नुस्खा मैंने आपको बता दिया, आप इसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको 110% एक्यूरेट का फ़ायदा होगा। यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है, सुबह और रात को आपने इसको यूज़ करना है। जो आप पाउडर फॉर्म बना लें उसको आप एक बोतल में डाल के रख लें और जब तक आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि इसका फ़ायदा ही है। आप ज़्यादा अगर इसको यूज़ कर लेंगे तब भी इसका फ़ायदा है, अगर आपका मसला ठीक हो गया और आप उसको छोड़ना चाहते हैं तब भी आप उसको छोड़ दें। तो क्योंकि मसला जो है वो यही है कि आप जो है इसको एक फ्रिक्वेंटली एक मिकदार में यूज़ करें और एक रिदम में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जिस तरह मैंने बताया आप जो है कम से कम 2 से 3 माह इसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपकी जो मनी है उसमें जो पतलापन है और उसके पतलेपन की वजह से जितनी भी आपको बीमारियाँ हैं वो सब जो है वो इंशाल्लाह इसकी वजह से आपको ठीक हो जाएगी। बहुत सिंपल सा नुस्खा, अगर आप कहते हैं कि इसका जो पाउडर है थोड़ा सा कड़वा है या उसमें थोड़ा सा जो है जायका जो है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह करें कि आपने करना क्या है कि आप इसमें जो है हम वज़न जितनी भी आपकी हो, हम वज़न से मुराद ये है कि तकरीबन जो है आपके पास अरबी जो है एक पाव, तो इसी तरह आप चीनी का पाउडर फॉर्म बना लें, उसमें मिक्सअप कर लें, तो फिर जो है आप उसको किस तरह लेंगे कि आपने जहाँ पर आप 1/2 टीस्पून ले रहे हैं चम्मच चाय का चम्मच, वहाँ पे आप जो है 1 चम्मच लेंगे बड़ा चाय का चम्मच, क्योंकि फिर जो है उसमें चीनी ऐड कर लेंगे तो फिर जो अरबी का जो पाउडर फॉर्म है वो ज़रा फिर जो है कम और चीनी ऐड, तो फिर इसलिए जो है आप इसको जो है फुल चम्मच जो आपका चाय का होता है बड़ा चम्मच उसको यूज़ करेंगे। अगर आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिनको शुगर का मसला है वो भी इसको यूज़ कर लें बआसानी। अगर क्योंकि इसका इतना पाउडर फॉर्म इतना ज़्यादा कड़वा ये इस तरह नहीं होता, तो अगर आप मेरी राय मानेंगे तो आप इसको चीनी के बगैर ही यूज़ करें ताकि आपको ज़्यादा इसका फ़ायदा हो, ठीक है, और आपको इसका ज़्यादा असर हो। तो मुझे नेक्स्ट टाइम तक की वीडियो के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।